हेलो दोस्तों, और आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं और आपका भी भूगोल का एग्जाम है, तो यह सेम टू सेम प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है। बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जियोग्राफी का यह है दिसंबर माह का है, और देखिए आपका विषय कोड 323 रहने वाला है आर्ट्स वालों के लिए। भूगोल का यह पेपर 1 घंटा 30 मिनट का, जिसमें 50 पूर्णांक का, ठीक है, 1 से 30 तक प्रश्न दिया है, जिनमें से किसी 25 ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। किसी 25 ही प्रश्न का उत्तर देना है, देखिए यहाँ पर है, किसी 25 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, चंदन वृक्ष पर किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो किस प्रकार का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जगह पर्णपाती वन का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोल टायर की किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, किस उद्देश्य से, तो तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए। चार नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सी, तो चार नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोभ मंडल। पाँच नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, तो पाँच नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन है, समुद्र नमक पराग राख धुएं में कालीमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है, किससे, तो छः नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूलकण। चलिए सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सात नंबर हमारा क्वेश्चन है, कितने जीवमंडल निश्चय भारत के यूरेनियन द्वारा मान्य है, तो कितने, तो सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठ है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो आठ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर। नौ नंबर क्वेश्चन, वर्तमान वन नीति के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से अधीन है, तो कितना प्रतिशत, तो नौ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33%। दस नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखते हैं, दस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीलगिरी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में, तो ग्यारह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी दिया है। बारह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बारह नंबर क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं किस परत से संबंधित है, तो बारह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोम मंडल से। भारत में वन संरक्षण की नीति कब लागू हुई थी, तो तेरह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1980 हुआ है, देखिए 1980 कहीं दिया नहीं, इसका राइट आंसर 1980 होगा, ठीक है, 1980 दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। चौदह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंद्रह नंबर क्वेश्चन, भारत में मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सोलह नंबर क्वेश्चन है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था से अधोमुख कटाव प्रयुक्त होता है, तो सोलह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्रह नंबर, भारत में कितने प्रतिशत भाग वन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23.28%, यानी कि 24% लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होती है कि इसके नाम पर जानी जाती है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए जस्ट अभी अभी हमारा क्वेश्चन आया है, लेट हो गया थोड़ा सा अपलोड करने में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ठीक है। 19 का सी हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी। 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार मुख्यतः किस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 23 नंबर का ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, तो किसे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी को, ठीक है, कोसी को नहीं, दामोदर को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा 24 का, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। देखिए 26 से लेकर 30 तक, 26 से लेकर 30 तक थोड़ा अपने से मिला लीजिएगा, टाइम हमारे पास नहीं था इसीलिए नहीं हम बता पाए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर है, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, ये थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, 30 में से 25 ही क्वेश्चन करवाना था। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।